मैं ऐसा मानता हूं कि इस 21वीं शताब्दी में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज होगी तो वो है इनोवेशन, क्योंकि इनोवेशन में वो ताकत है कि जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो हम इक्विटी की बात करते हैं उस इक्विटी को ला सकता है। वी हैव ऑलवेज बीन टॉकिंग अबाउट ब्रिंगिंग इक्विटी। हम लोग ये मानते हैं कि अगर मानव जाति का कल्याण अगर हमको करना है तो हमको ये जो गैप्स है उस गैप्स को खत्म करना पड़ेगा और सभी को एक्सेस देना पड़ेगा। और ये एक्सेसिबिलिटी और इक्विटी, ये दो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनको बड़ी तेजी के साथ प्रस्थापित करने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो टेक्नोलॉजी और मैं ऐसा मानता हूं कि इनोवेशन ही कर सकता है। और आज जिस प्रकार से हमारे देश में एक स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार हो रहा है, और मैं ऐसा मानता हूँ चूंकि हमारा देश आज दुनिया में सबसे ज्यादा युवा इस देश में है, हमारी डेमोग्राफी जो है ये बिल्कुल युवाओं से भरी हुई डेमोग्राफी है, और ये जो युवा है इनका अपना एक तरीका है, इनकी अपनी एक सोच है, और ये लोग पैदा ही जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ हुए हैं, और टेक्नोलॉजी मानो उनके बिल्कुल विचारों में है, उनके खून में है, और इसके कारण उसका इस्तेमाल करते हुए अपनी जो सोच है उस सोच को प्रोडक्ट में बदलना, उसको एक इनोवेशन में बदलना, इस प्रकार का एक सिलसिला आज हमको दिखाई पड़ता है। हम लोग ये मानते हैं कि हम एक ऐसे समय है जिस समय आइडियाज को हम लोग यथार्थ में बदल सकते हैं। हम लोग कई बार 20 साल 25 साल पहले साइंस फिक्शंस देखते थे या इस प्रकार के सिनेमा देखते थे या साइंस फिक्शन मैगजीन्स या नॉवेल्स पढ़ते थे, उस समय जो चीजें असंभव लगती थी आज वो सारी चीजें होती हुई दिखाई पड़ती है। और मैं ऐसा मानता हूं कि देश के अंदर दुनिया के अंदर आज व्यक्ति का जो विचार है उसकी विचार की जितनी लंबी पहुंच है या जितने अलग अलग प्रकार के आइडियाज वो ला सकता है, वो सारे आइडियाज को कन्वर्ट करने का एक बड़ा ही अच्छा माध्यम आज टेक्नोलॉजी ने उसको दिया है। और इसी के चलते आज नए नए जो स्टार्टअप्स तैयार हो रहे हैं, नए नए जो आइडियाज और इनोवेशन तैयार हो रहे हैं, उससे दुनिया में रहने वाले सभी लोगों का जीवन अधिक सुकर हो, लोगों को ईज ऑफ लिविंग ये एक्सपीरियंस हो। इस दृष्टि से मैं ऐसा मानता हूँ कि स्टार्टअप की इकोसिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है।